आहा, इश्क की मीठी मीठी चाशनी बहुत मीठी मीठी होती है, लेकिन ये चाशनी बिल्कुल मीठी मीठी नहीं, यानी कि ये तो बहुत ही कड़वी होती है, क्योंकि ये है पिशाचिनी। भाभी अब ये क्या कर रहे हैं? ये तलवार अगर लग गई तो मैं उठूंगी नहीं, उठ जाऊंगी। अरे मूर्ख, मैं तो तुझे मारने आई हूँ, बच सकती है तो बच ले। दृष्टि की सासुमा का वार। घर में मचा हाहाकार। भाई पिशाचनी के वश में आकर रक्षित की माँ अपने सुध-बुध गवाकर हाथों में तलवार लेकर निकल पड़ी है दृष्टि को खत्म करने, और जो भी उनके रास्ते में आएगा वो महिमा के हाथों फना हो जाएगा। और देखिए कैसे वो अपने ही परिवार पर तलवार से हमला कर रही है। बस उन फैमिली में इतना ड्रामा चल रहा है, खूनम सब जगह खून खून हो गया है, तलवारी चल रही है, तो शी इज एंजॉयिंग द साइट बेसिकली। एक्चुअली हम नॉर्मल ह्यूमंस हैं तो हमारे ऊपर तो उसका असर होता है, लेकिन दिव्या दृष्टि पे तो होता नहीं है, बिकॉज दे आर सुपर नेचुरल एंड अनजान ऑल्सो सुपर नेचुरल, पर हम तो नॉर्मल पीपल हैं। सबसे ज़्यादा हो जाता है। हाँ, लास्ट टाइम भी उसने मुझे ज़ॉम्बी बनाया था और मेरे से बहुत कुछ करवा रही थी, एंड आई एम अ ईजी टारगेट फॉर हर, तो इस बार भी वो करवा रही है। महिमा के सर पर खून सवार है। पिशाचनी भी दृष्टि को अपना जानलेवा प्लान बताकर डरा रही है और बता रही है कि बहुत जल्द महिमा के हाथों रक्षित के पापा का कत्ल हो जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर शिखर भी पहुंच गया है छिपकली लावण्या के कमरे में अपनी बड़ी माँ के ऊपर हुए जादू को खत्म करने की गुजारिश करने। ऐसा कुछ होने नहीं देंगे, बिकॉज ही ऑल्सो हैज सुपर पावर्स, एंड आई एम श्योर कि मैं भी इस चीज से बहुत जल्दी स्नैप आउट होने वाली हूँ। हमेशा के लिए महिमा ऐसे नहीं रहेगी, महिमा भी इस चीज़ से बाहर निकलेगी, और अब तो निकलेगी जरूर जब पति सामने आए, तो सो डेफिनेटली दैट विल हैपन। दोनों की दौड़ लगी रहती है, वो कुछ ना कुछ नए प्लान्स ले आती है, कुछ ना कुछ नई तरकीबें ले आती है, और हम उसका उपाय ढूंढ लेते हैं। हमें पूरा यकीन है रक्षित कि आप घर में कोई भी खून खराबा नहीं होने देंगे। वैसे डरना तो अब पिशाचनी को चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द नर्क का दरवाजा फिर से खुलने वाला है और पिशाचनी के लिए नई मुसीबत खड़ी होने वाली है। नर्क का द्वार खुल रहा है। आज तक ब्यूरो। उस महिमा ने किसी को मारा कि नहीं अब तक?